इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जीवन में ऐसा कर्म न बने कि हमको स्वयं ही अपनी गवाही करनी पड़े। क्यों? फिर बोझ बहुत बढ़ जाता है। कर्म ही नहीं करे क्या? 28 पातकों की चर्चा किया भरत जी ने। कहा मां मुझे धर्मराज ये गति दें यदि मेरी सम्मति है। मां कहती हैं लाला ज्ञान होने पर भी अज्ञान दूर न हो संभव है। सूर्य के उदित होने पर अंधकार न जाए ये भी संभव। बेटा तुम स्वप्न में भी राम जी के प्रतिकूल नहीं जा सकते ऐसा मेरा भरोसा है। भरत जी शांत। सरजू जी के तट पर चंदन की चिता सजाई गई और श्री चक्रवर्ती महाराज को अग्नि प्रवेश दिया गया। दशगात्र विधान हुआ एकादशा द्वादशा त्रयोदशा। बाबा कहते हैं पितहित भरत किन्हि जसि करै सो मुख लाख जाए नहीं भरे सो दीन सोधि मुनिवर आए सचिव महाजन सकल बोला तो पिताजी के निमित्त भरत जी ने जो व्यवहार किया उसको लाखों मुखों से नहीं कहा। हमारे सनातन संस्कृत में 16 संस्कार व्यास स्मृति के अनुसार दिए गए। प्रारंभ के 3 संस्कारों में व्यक्ति नहीं होता, शेष वो देखता है करता है, और अंतिम संस्कार में भी व्यक्ति नहीं होता है, इसलिए उसका नाम अंत्येष्टि है। इसका अर्थ हुआ इति। अंत्येष्टि कौन करता है? जो उस जीव के रक्त संबंधी होते हैं। कैसे करना? जैसे विधान दिया गया है। अंत्येष्टि संस्कार भी शास्त्र समन्वित करना चाहिए, इससे दिवंगत आत्मा को अगले जन्म में प्रारब्ध वसात जो स्वरूप प्राप्त होता है तब तक यह सामग्री उसके मंगल में उपयोग होती है जब तक उसको परमात्मा नया स्वरूप न प्रदान कर दे। इसलिए अंत्येष्टि बहुत विधि सम्मत करना चाहिए। जीवन भर सनातनी रहे और जैसे ही शरीर शांत हुआ बच्चे माता पिता को आर्य समाजी बना देते हैं। 3 दिन में शुद्धि हो गई। काहे? समय नहीं है। जिसके पास माता पिता के लिए समय नहीं है वो धरती का सबसे अभागा व्यक्ति है। खाने का समय नहीं है, उत्सव का समय नहीं है, माता पिता के लिए समय नहीं है, परिवार के लिए समय नहीं है, तो हम क्या हैं? अपने में एक समस्या बराबर हम। हम चलती फिरती समस्या की पिटारी हैं। हमारे लिए खाने का समय नहीं, परिवार के साथ बैठने का समय नहीं,
माता पिता की सेवा का समय नहीं, भगवान के स्मरण का समय नहीं, तो यार तुम हो क्या, मदारी हो क्या, क्यों दूसरे के उपयोग में आते हो, अपने लिए समय नहीं है। नहीं, समय सिद्ध हो, हर व्यवहार को विधि सम्मत किया जाए, इससे हमारा भी सुखवर्धन होता है। जो स्वरूप चला गया है उसके प्रति हम जितना करेंगे, वह स्वरूप जहां भी होगा वो करुणा करेंगे, आशीर्वाद भेजेंगे कि जो संतति हमारे निमित्त कर रही है, हे धर्मराज, यह उनको वापस कर दीजिए, उन्होंने मेरे लिए किया है। इसलिए आपको बोध हो न हो, परिवार में जब कोई विदा होता है तो उस समय खेती बढ़ जाती है, खेती में आमदनी बढ़ जाती है, व्यापार बढ़ जाता है। स्वतः जितना हम करते हैं, दो उत्सव का ध्यान रखना, अंतिम संस्कार का उत्सव और बेटी का विवाह महोत्सव, दो को करने वाले भाई और पिता के घर में अपने आप श्रीवृद्धि हो जाती है। यज्ञ है, कोई रखता थोड़ी है, रखता नहीं। आप इसको जानते हैं तो मानिए और करिए, ये अनुभव जन्य है, लिखा पढ़ी का नहीं है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री ने, श्रीहरि ने सब गरुण जी के प्रश्नों को उत्तर में कह दिया, ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होना है तो वैसा करना होगा, सब लिखा है। थोड़ा पढ़िए, 14वें दिवस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। श्रद्धांजलि सभा में सब श्रेष्ठ महाजन लोग उपस्थित भए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने प्रस्ताव रखा, किस निमित्त, भरत जी के राज तिलक के निमित्त। ये राज सत्ता की व्यवहार व्यवस्था है, राज सिंहासन शोक में भी खाली नहीं होना चाहिए। अगल बगल के देशों को अवसर मिल जाता है, क्यों, कोई राजाज्ञा करने वाला नहीं, इसलिए घंटा भर भी राज सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए। शोक के अवसर पर ही पड़ोसी देश आक्रमण कर देते, इसलिए राजा को शोक के समय और अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। हमारी सीमाओं पर सेनानी हर घड़ी अलर्ट रहते हैं, क्यों, देश रक्षा है। द्वादश सोचनियों की सूची प्रस्तुत करते हुए गुरुदेव भगवान ने कहा, भरत जी कहिए, आपके पिता की प्रशंसा कौन करेगा, ब्रह्मा विष्णु जी शिव जी सब आपके पिताजी के गुण समूह का गान करते होंगे, राम जी आप, लक्ष्मण शत्रुघ्न, जिसके ऐसे चार लायक पुत्र हों उसकी प्रशंसा क्या कर डाला। एक बात आपको कहूं, राज सत्ता उसी को प्राप्त होती है जिसको पिता दे जाते हैं अथवा राजा जी दे जाते हैं। पिताजी ने आपको राज दिया, आपकी मां ने दो वचन मांगे, एक वचन मानकर राम जी वन चले गए और एक वचन मानकर आप राज सत्ता स्वीकार करिए। वेद साक्षी है, जितने लोग यहां उपस्थित हैं सबकी इसमें सम्मति भी है। क्या, जिसको पिता देता है वही उत्तराधिकारी होता है। भगवान परशुराम का उदाहरण, अयाति महाराज के लघु पुत्र पुरु का उदाहरण देकर गुरुदेव भगवान ने अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास किया। भरत जी शांत बैठे रहे, गुरु जी को लगा भरत जी का जो स्वभाव है उसके अनुसार ये राज सिंहासन स्वीकार नहीं करेंगे। तब गुरु जी ने एक मंत्र दिया, लाला
आपका भाव नहीं है। तो जब तक राम जी वन में हैं तब तक आप राज सिंहासन स्वीकार करें, जब आए तब सौंप दीजिएगा और स्वभाव से सेवा करिएगा। आहा, भरत जी को मानो मंत्र मिल गया। सचिव जी की सहमति, मां का अनुमोदन, भरत जी सुने नेत्र झरझरा उठे, लेकिन मार्ग तो दिख गया, सूत्र मिल गया। क्या गुरुदेव ने ये मान लिया कि अयोध्या का राज सिंहासन भरत का नहीं है, नहीं तो गुरुजी सौंपने को क्यों कहते हैं? देखिए, धर्मशील व्यक्ति के जीवन में व्यवहार के लिए कोई कठिनाई नहीं होती है, कठिनाई लोभी को होती है, कठिनाई अधर्मी को होती है। धर्मशील व्यक्ति के लिए तो सब समय सहज है, हर घड़ी दिव्य है, हर क्षण अद्भुत और लौकिक है। भरत जी ने सुना सौंपेहु राज राम के आए, ये गलती जीवन में हम न करें। जो सामान, जो वस्तु, जो गद्दी, जो स्थान, जो घर, जो अधिकार हमारा न हो, उसको लेने की भूल गलती कदापि न करें। लेने से राग बढ़ता है, ये पेन ये कलम किसी से हमने ले लिया, लगा लिया, उसने नहीं मांगा तो हमको देने में कम से कम 7 मिनट लगेगा। भैया मेरा पेन आप लिए, अच्छा बैठिए दे रहे हैं, क्योंकि मन गणित लगाने लगता है कि ये पेन अभी वहाँ लिखना है तो कैसे लिखूंगा, अपना घर छूट गया है। बुद्धि काम करती है, नहीं विकार काम करते हैं। अच्छा हम आपको कल दे दें तो, नहीं साहब मैं तो लेके चला था, मैं बिना पेन चलता नहीं, कोई बात नहीं कल दे दूंगा। अरे नहीं साहब हमको अभी दे दीजिए, अरे पकड़ो। ये मन की स्थिति है, हमारा नहीं है हमने ले लिया तो विकारी मन इस पे गणित लगाने लगता है। भरत भैया सोचने लगे, जो संपत्ति पूज्य पिताजी ने मेरे सरकार के लिए मान ली, इसको हम कैसे लें? नहीं, हम तो नहीं लेंगे। उपाय क्या है? राम जी तो वन में। भरत भैया ने हाथ जोड़कर सभी श्रेष्ठ जनों से ये प्रार्थना किया, आपन दारुण दीनता सब ही कहूं सिरु ना, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के अपना अंदर का कष्ट, अपनी दीनता, करुणा, सबको मैं वंदन करके कह रहा हूं कि भगवान का जब तक श्री चरण दर्शन न हो जाए तब तक मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। इसलिए आप सब अनुशासन प्रदान करें तो प्रातः काल चलें, प्रभु के श्री चरण का दर्शन करें, फिर भगवान जो आज्ञा देंगे उसका पालन होगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए
महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।